बेटे लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 12 का टेबल हमको कैसे बहुत ही आसानी के साथ लर्न हो जाए, ठीक है। अभी आज हम जो है 12, जैसे हमने 12 का देखा था वैसे हम 13 का टेबल देखेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले एक बार 12 का प्रैक्टिस कर लें। 12 बनगा 12, देन 2 जा 24, 3 जा 36, 4 जा 48, 5 जा 60, 6 जा 72, 7 जा 84, 9 जा 96, 8 जा 96, 9 जा 108 एंड 10 जा 120, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिमिलर जिस तरीके से हमने 12 का लिखा था बेटे वैसे ही हम 13 का लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम 13 की बात करते हैं, तो 13 में टू डिजिट है, 1 एंड 3, राइट। सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 3 से, ठीक है। 3, फिर उसमें 3 ऐड करिए, 6, फिर 3 ऐड करिए, 9, फिर 3 ऐड करिए, 12, तो 1 बेटा इधर हम साइड में रख लेंगे, राइट। फिर 3 ऐड करिए, 5, फिर 3 ऐड करिए, 8, फिर 3 ऐड करिए, 11, तो फिर 1 को हम यहाँ साइड में कर देंगे। आप ध्यान रखो 3 ऐड करते चले जाना है इस डिजिट में, और अगर डबल डिजिट आएगा तो हमको यहाँ साइड में कर लेना है, राइट। फिर 3 ऐड किया तो 4 हो जाएगा, 3 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4, देन 7, देन 10, तो हम यहाँ पर 1 साइड में रख लेंगे। फिर से नंबरिंग करो, काउंटिंग 1 2 3, यहाँ बेटा 4 आएगा तो 4 को इस 1 में क्या कर दोगे, प्लस, तो कितना हो गया, 5, देन 6, देन 7, देन 8, तो 8 को इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, देन 10, देन 11, देन 12, तो 12 को इसमें मैं ऐड कर दिया, कितना हो गया, 30, राइट। अब ये हमारा 13 का टेबल रेडी हो गया, राइट। कैसे है, 13 वन जा 13, 2 जा 26, 3 जा 39, 4 जा 52, 5 जा 65, 6 जा 78, 7 जा 91, 8 जा 104, 9 जा 117 एंड 10 जा 113, 30, राइट। आई होप सो आपको 13th का टेबल बहुत ही आसानी से याद हो गया। अब आप इसे एक बार दो बार अपने से प्रैक्टिस करो, ठीक है, और आसानी से 12 के, 13 के, 14 के, 15 के किसी का भी टेबल लिखना हो तो आप आसानी से लिख सकते हो। क्लियर बेटे, ओके।